हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहा हूँ जो 10,000 से 15,000 की रेंज में आते हैं। ये तीनों ही बेस्ट हैं, आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अपनी लिस्ट में नंबर तीन पर मैंने जो स्मार्टफोन रखा है वो है पोको M4 Pro 5G। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें 4GB रैम, 64GB रोम, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 ऑक्टाकोर 2.4 GHz का प्रोसेसर, 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो फोटो तो अच्छी आने वाली ही है। इसके साथ साथ 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और ये 2G 3G 4G और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसके साथ डुअल सिम, एक्सपेंडेबल स्टोरेज, ऑडियो जैक और क्विक चार्जिंग के फीचर को भी ये सपोर्ट करता है, और ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर 15,000 तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर दो पर हमारी लिस्ट में जो मोबाइल है वो है Redmi Note 10T 5G। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें 4GB रैम, 64GB रैम रोम और MediaTek Dimensity 700 ऑक्टाकोर 2.2 GHz का प्रोसेसर है, और इसके साथ रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसमें 6.56 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, बैटरी बहुत ही बड़ी है 5000 mAh की, नेटवर्क टाइप 2G 3G 4G और 5G को ये सपोर्ट करता है, डुअल सिम बट इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का फीचर नहीं है, और इसमें ऑडियो जैक है और क्विक चार्जिंग भी इसमें नहीं है। इसके साथ 1 ईयर की वारंटी। नंबर एक पर मैंने जो मोबाइल अपनी लिस्ट में रखा है वो है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें 6GB रैम, 128GB रोम, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G ऑक्टाकोर 2.2 GHz का प्रोसेसर, 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। इसमें 2G 3G 4G और 5G को ये सपोर्ट करता है, डुअल सिम, एक्सपेंडेबल स्टोरेज, ऑडियो जैक और क्विक चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, 1 साल की सैमसंग की वारंटी जो मिलती है, और इसी के साथ ये आपको 14,000 या 14,500 का लमसम फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगा, तो आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गई तीनों मोबाइल फ़ोन्स की बात। अब मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो आप जो मैं नंबर तीन पर और नंबर एक पर जो मोबाइल रखा है इनमें से आप कोई परचेस कर सकते हैं, मतलब कि पोको M4 Pro 5G और ये सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, आप इन दोनों में से कोई एक परचेस कर सकते हैं। बाकी मुझे रेडमी से अच्छे फीचर्स तो पोको में लगे हैं, पोको M4 में, उसमें और अच्छे फीचर्स हैं और उसका जो प्रोसेसर है और कैमरा है वो भी अच्छा है, तो रेडमी से अच्छा तो आप पोको ही परचेस करें। सैमसंग की तो बात ही अलग है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, सबसे अच्छा ब्रांड है, तो आप या सैमसंग परचेस कीजिए या फिर आप पोको परचेस कर लीजिए। वैसे सैमसंग में उतनी ही रेंज में आपको 6GB रैम और 128GB रोम मिल जाएगी, लेकिन पोको में वो नहीं मिलेगा, तो आप पोको या सैमसंग में से कोई एक चुन सकते हैं। चलिए, मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।